गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मॉम का वैक्सीनेशन का डेट है। अभी बज रहे हैं 10:45, सो आई एम ऑलरेडी रनिंग लेट। 11:10 का स्लॉट है, सो आई होप मैं तब तक पहुंच जाऊं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ गाड़ी निकाल के मैं आऊँगा, एंड देन मैं मॉम को पिक करूँगा, एंड देन फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे साउथ सिटी, जहाँ पे उनका डोज आज शेड्यूल्ड है। और उसके बाद प्लान्स है स्ट्रेट घर आने का, क्योंकि मेरा ऑफिस तब तक स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी। सो मैं वापस आ चुका हूँ अपने घर। मॉम की वैक्सीनेशन हो चुकी है। मैं गाड़ी में शूट नहीं कर पाया क्योंकि मॉम पीछे बैठी थी और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सो वीडियो लेना वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। बट जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों ने कोवैक्सिन लिया हुआ है, नॉट कोविशील्ड, सो आप लोग सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज बुक कर सकते हो बुक माई शो से, या फिर बालीगंज में एक स्कूल है साउथ पॉइंट। सो साउथ पॉइंट हैज़ टू ब्रांचेस, साउथ पॉइंट सीनियर एंड साउथ पॉइंट जूनियर। सो साउथ पॉइंट जूनियर विच इज़ नियर दी टेस्टी कॉर्नर, आप लोग वहाँ पे जाके कोविशील्ड या कोवैक्सिन दोनों का फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज ले सकते हो। सिर्फ कोवैक्सिन जो है वो फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज 10:30 या 9:30 से 11:30 बजे तक ही मिलता है, बट उसके और कोविशील्ड जो है वो सारा दिन आप लोग अवेल कर सकते हो। सो मैंने ऑफिस लॉगिन करा हुआ है अभी, हमारा डेली का कॉल अभी ख़त्म हुआ, एंड अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा मैं थोड़ा लंच कर लेता हूँ। अभी पता नहीं शाम को क्या प्लान है, क्या करूँगा, सो आई गो हैव माई लंच एंड आई कम बैक एंड देन आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप देख रहे हो, मुझे थोड़ा टाइम मिला है अभी अपने ऑफिस से, एंड जस्ट मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मुझे बचा कुछ ब्लॉग को आज कंटिन्यू करना है। सो हमारा कॉल था एक, एंड जस्ट अभी ख़त्म हुआ, एंड मुझे थोड़ा सा उसके बीच में अभी फ्री टाइम मिला, मी टाइम मिला, तो उसके बाद मैं अभी जस्ट अपने विंडो पे बैठा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ का वेदर इज़ लाइक टू गुड। बारिश स्टार्ट हुई है, एंड अभी वैसे तो सोचा था मैंने कि मैं बाहर निकल के थोड़ा यू नो वॉक करूँगा या फिर छत पर जाऊँगा, बट जो वेदर है अभी कहीं शायद जा नहीं सके, तो आई जस्ट शो यू दी वेदर। सो दैट वॉज दी वेदर फ्रॉम माई विंडो। मैं अभी इनफैक्ट विंडो पे आके ही बैठ गया हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू यू नो वॉच दी रेन। मुझे बारिश बहुत पसंद है, सो मैं अपने विंडो पे बैठा हूँ आराम से। मैं वैसे तो ये वेदर में लोग चाय इन्जॉय करते हैं, बट आई डोंट ड्रिंक टी, मुझे हैबिट नहीं है, सो आई जस्ट यू नो मैं बैठा हूँ यहाँ पे एंड आई एम एन्जॉइंग द रेन। क्या देख रहे हो? यही कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने फ्राइडे ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे ख़त्म होगा और फ्राइडे के बाद है सैटरडे, विच मीन्स इट इज़ अ वीकेंड, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई वीकेंड। हालांकि काम अभी तक हुआ नहीं है, नॉर्मली फ्राइडेज को जल्दी आई एम फ्री, बट कुछ कुछ बाकी है, सो मैं अपने सिस्टम लेके अभी भी बैठ रहा हूँ और हाफ एन आवर प्रॉब्ली उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इन द मीनवाइल मॉम ने मेरे लिए नूडल्स बनाए हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक चाउमीन, सो मैं बैठ के काम भी कर रहा हूँ और चाउमीन भी खा रहा हूँ, और मम्मी भी साइड में चाउमीन खा रही है। सो क्विक व्यू टू मॉम। मम्मी कैसा लग रहा है इंजेक्शन लेके आज? अच्छा लग रहा है। पेन हो रहा है? नहीं। अच्छा था? हाँ, हम लोग को वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके लेना चाहिए, राइट? बिल्कुल एकदम। सो जैसे कि आपने देखा, मॉम बोल रही है कि हम सब को वैक्सीन लेना चाहिए, एंड मॉम का फीडबैक था यू नो कि हम गए वैक्सीन लेने एंड मुझे कुछ पता नहीं चला
कि उन्होंने एक्चुअली वैक्सीन दिया भी है कि नहीं, बिकॉज उनको कुछ फील नहीं हुआ। और सेकेंड डोज में मैं भी ले के आया तो मुझे भी कुछ पेन फील नहीं हुआ, तो मम्मी भी सेम फीडबैक दे रही है। तो चलो अच्छा है, क्योंकि बहुत लोगों का फीडबैक ऐसा था कि फर्स्ट डोज के बाद उन्हें फीवर आ रहा है एंड किसी किसी का यू नो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। बट सेकेंड डोज मेरे जितने भी फ्रेंड्स एंड कलीग्स ने लिया है तो किसी को ऐसा प्रॉब्लम फेस अभी तक नहीं करना पड़ा है। सो लेट्स सी, आई होप शी इज़ वेल टुडे एंड टुमारो इज वेल, क्योंकि ये दो दिन ही फीवर आने के टेंडेंसीज रहते हैं। हम लोग को पैरासीटामॉल लिया गया है वहाँ से एंड बोला गया कि अगर फीवर आता है तो आप ट्राई कर सकते हो। इन द मीनवाइल अभी जस्ट मैं अपना ऑफिस का काम ख़त्म करूँगा एंड मिस्टी आज थोड़ा बिजी है, सो शी इज़ नॉट यू नो इन टू व्लॉगिंग टूडे, और आज उसे एकदम भी टाइम नहीं मिला है व्लॉग करने का। एंड मैं फ़िलहाल अपने हॉल में बैठ के लैपटॉप के साथ बैठा था एंड काम कर रहा था, क्योंकि मुझे अभी रूम में बैठने का मन नहीं कर रहा था। एंड आज शाम को कहीं मैं निकल भी नहीं पाया, सिर्फ सुबह को वैक्सीन के लिए गया था एंड वहाँ से आई हैड टू कम बैक। सो दिस इज़ माई रूम वेर मी एंड मिस्टी स्टे एंड दिस इज़ ममाज रूम, यहाँ पे मम्मी रहती है, एंड दिस इज़ आर हॉल वेर वी नॉर्मली हैंग आउट। वहाँ पे यू नो पूजा घर है ऑन टूवर्ड्स द राइट एंड दिस इज़ आर किचन। सो दिस वॉज अ शॉर्ट यू नो होम टूर। आई होप यू नो आप सबको जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, यू गेट एम्पल ऑफ टाइम टू स्पेंड विथ योर फैमिली, क्योंकि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम जब हम लोग ऑफिस नहीं गए। एक टाइम पे हमें भी लगता था कि चलो यार छुट्टी हो, बट अब ऐसा फील होता है कि कब ऑफिस आए, कब हम लोग को भी मौका मिला ऑफिस ज़रा देखने का। सो मैं गया था जब ऑफिस, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू यू नो एंटर द प्रमाइसेस एंड टू लुक अराउंड कि अभी चीज़ें कैसी हैं, पहले कैसी थी। सो मैं अभी अपने ऑफिस का काम करता हूँ ख़त्म और मिलता हूँ आपसे डिनर या डिनर के बाद। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी रूम में आ चुका हूँ और अभी 12 बज रहे हैं। सो मैं अभी ज़्यादा देर और व्लॉग नहीं कर पाऊँगा बिकॉज माई हेड इज़ पेनिंग एंड आई एम प्लानिंग टू स्लीप अर्ली टुडे। सो मैं वही सोच रहा हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊँ एंड कल शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अपने बेबी को लेके, तो चांसेस है मैं कल सुबह निकल जाऊंगा एंड इफ़ नॉट देन यू नो आई विल बी एबल टू मीट माय वाइफ दी नेक्स्ट डे। सो वही फ़िलहाल प्लान है। ऐसे संडे को हम लोग सब कोई मी एंड मॉम हम लोग जा रहे हैं 12 साल की तरफ, तो वहाँ पे हम लोग सारे फैमिली मिल के एक साथ रीयूनियन कर रहे हैं बहुत दिन बाद, क्योंकि मम्मी का भी बहुत दिन से जाना नहीं हो पाया था। सो मॉम ने कहा कि चलो एक बार चलते हैं, मैं भी देख लूँगी। सो हम लोग जा रहे हैं वैसे संडे को, और कल मेरे एक फ्रेंड का भी बर्थडे है। सो लेट्स सी, कल शायद उसके वहाँ पे भी जाऊँगा केक कटिंग एंड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट एंड या स्टे हेल्दी। गुड नाइट, बाय बाय।